आपकी चाय। चाय? हमने चाय कब मांगे? अरे हमने तो पानी मांगा था। विक्रम, तुम्हारे मिट्टू भी ना बहुत खूब है। अरे मांगा था पानी और ले आई है चाय। बुआ सा, आपने पानी कब मांगा था? आपने तो चाय मांगी थी जी। अच्छा जी, कब मांगा? लगता है शादी की तारीख पक्की होने की खुशी में सारी दुनिया भूल गई हो। एक तो यहाँ गुब्बारे फुला फुला कर हमारा गला सूख गया है और एक गिलास पानी। हम सबको चाय देकर पानी ले आते हैं। मन तो करता ठंडा पानी सर पे डाल दे मोटी कही की। याद है ना क्या करना है? घबराना नहीं, ओके? जाओ जी। बुआ जी को हल्दी वाला दूध चाहिए था जी। ठीक है बेटा, दूध चढ़ा हुआ है, उसमें अंबा हल्दी डालकर ले जाओ, अच्छा होगा। क्या होता है ये अंबा हल्दी? हाँ रखा हुआ है। अरे मिट्ठू बेटा खड़ी क्या हो, हल्दी लेकर आओ ना। जी जी वो क्या मामी जी, सुबह से बेचारी मिठू काम कर रही है। मिठू तुम जाओ, मैं कर लूंगी। वैसे भी विक्रम तुम्हें बुला रहे हैं। विक्रम जी, थैंक यू मिठू भाभी। आपकी हल्दी वाली दूध। हल्दी वाला दूध? तुम्हें हुआ क्या है मिट्टू? हाँ, पहले पानी मांगा तो चाय लेकर आई, दोबारा गई तो हल्दी वाला दूध उठाकर ले आई, हुआ क्या है तुम्हें? जी बुआ जी, आपने तो अभी मांगा था। हमने मांगा? हमने कब मांगा? पागल समझ रखा है हमें? अगर नहीं देना है तो मत दो, हम खुद से जाके पानी पी सकते हैं। हटो। कोई बात नहीं बुआ जी, कभी कभी हो जाता है ऐसे। अब देखिए ना, बेचारी ऑफिशियली घर की बहू बनी भी नहीं और सबने उसको ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तुम जाओ, जाओ हमारे लिए पानी लेकर आओ। अरे मिट्टू तुम वापस आ गई, विक्रम तुम्हें बुला रहा था ना। जाओ रसोई में, हम और सीमा दोनों संभाल लेंगे, जाओ। है जी, विक्रम जी मारे को कब ढूंढ रहे थे जी? अच्छा मिट्टू बेटा, वो गुंजन ने जीजी को दूध दे दिया ना? उनको तो हम अभी चाय देकर आए जी। बेटा तुम्ही ने तो कहा था जीजी को दूध चाहिए। हमने ऐसा कब कहा, सबके सब सठिया गए हैं यहाँ। मिट्टू बेटा माना कि आज घर में पार्टी है, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, अरे घर में सब काम में बिजी है, तुम एक काम में इतना टाइम लगाओगी,
तो हो चुका काम खत्म। लगता है सर्दी में तुम्हारा दिमाग भी जम गया है। और ये मुआ कुकर, दिमाग हमारा नहीं तुम्हारा जम गया। 10 काम एक साथ बता दिए, सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रही है। अरे बेटा पूनम, जरा हमारे कमरे से हमारा शॉल ला दोगी? इस सर्दी ने तो पूरा शरीर ही जमा दिया और सबका दिमाग भी। शॉल ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए जी? क्या मतलब? कुछ नहीं जी, ठंड में ना वो कभी कभी कुछ नहीं, अभी लाते हैं जी। ये लीजिए जी, पानी। पानी? पानी क्यों बेटा, हमने तो शॉल मांगा था ना। ये लो, पानी मांगा हमने और मिल गया दयाल को। क्या हो क्या गया है मिट्ठू तुम्हें? लो अभी तो हमें पानी दो। पता नहीं क्या हुआ इस लड़की को। लगता है आज तुम बहुत थक गई, जाकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर रही थी? एक कहता है काम पे ध्यान दो, एक कहता है आराम करो। सबने भांग खाई हुई है क्या? शर्मा क्यों रही? जाकर थोड़ी देर लेट जाओ, जाओ बेटा। जी। नींद में चलने की बीमारी तो पहले से थी, अब भूलने की बीमारी हो गई। न जाने क्या होगा इस लड़की का। मेरे पास एक ऑसम आइडिया है। सब कुछ इनकम्प्लीट है। इंडिया भी कमाल देश है जहां इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है और कामचोरों की कमी नहीं है। लुक एट दिस मिस कर्क, हाईली अनप्रोफेशनल। बैठो, कुछ देर तक इस कमरे में चुपचाप बैठो और बाहर मत आना, समझी? मिस कर्क, आपने ये पंजाबी ब्राइट देखी है? इसमें कुछ एडिशंस एंड इवन द कश्मीरी ब्राइट। जी केटी, हमें याद है। याद होने से काम नहीं चलता मिस कर्क, यहाँ आकर अपना काम पूरा करो, अंडरस्टूड? केटी, हमारा अभी पहुँचना इम्पॉसिबल है। हम कल तक सब कुछ रेडी कर देंगे, अब हम अभी बहुत बिजी हैं। ओह आई सी, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जो तुम्हें इस काम से ज्यादा बिजी रख रहा है? तुम जानती हो ना ये ऑर्डर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है? हाँ हाँ केटी, हम जानते हैं कि ऑर्डर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आप हम पर भरोसा कीजिए, हम कल सुबह तक सब कुछ रेडी कर देंगे, पक्का। बट कल सुबह तक काम खत्म होना चाहिए। ऑलराइट, काम तो दूर की बात, इसके पास बात करने तक का टाइम नहीं। यूजलेस गर्ल। वाओ, फुल ऑन पार्टी मूड लग रहा है ना। व्यंजन भाभी,
मिट्टू को ये सब बहुत पसंद है और वो ये साड़ी पाकर ना बहुत खुश हो जाएगी, देखना आप। और ये सब आपकी वजह से है गुंजन भाभी, आपने जो आइडिया दिया और हमारे साथ साड़ी चूज करी, हम अभी देकर आते हैं। एक मिनट गुंजन भाभी, रचना को भी दिखा देते हैं ना, उसकी राय भी जाननी जरूरी है, आखिर बहन जो है। विक्रम लेकिन रचना देखो, मिट्टू के लिए कुछ लेकर आए हैं। अरे मिट्टू तुम यहां? एक पंथ दो काज, ये लो मिट्टू तुम्हारे लिए न्यू ईयर का गिफ्ट। और साड़ी है और तुम्हें आज ही पार्टी में पहननी है, क्योंकि इसमें हमारी प्यारी प्यारी मिट्टू और प्यारी लगेगी। ओके थैंक यू भाभी। ओहो सारे प्लान की ऐसे की तैसे कर दी विक्रम भैया। कोई बात नहीं, मैंने वैसे ही डुप्लीकेट साड़ी भी खरीदी है ना, बस किसी तरह इसे चारों तक पहुंचाना है। गुड आइडिया। शॉपिंग करके प्यास लगाई है, पहले पानी पीते हैं। अरे मिट्टू मिट्टू साड़ी कहाँ है? साड़ी? कौन सी साड़ी जी? कौन सी साड़ी? अरे अभी तो हमने तुम्हें दी ना जी। मारे को कुछ समझ नहीं आ रहा जी, कौन सी साड़ी, कब की साड़ी? अब मिट्टू मिट्टू देखो, अब मजाक छोड़ो और हमारी इतनी सी बात मान लो, जा जाओ पहन कर आओ। जी मारे को कोई साड़ी नहीं दिया आपने, तुम अपने कमरे में भूल गई हो, जाओ जाकर देखो। अगर ऐसी बात है तो आप चलो हमारे साथ और दिखाओ मारे को वो साड़ी। ठीक है चलो। ये देखो सामने बिस्तर पे क्या रखा है। ये क्या हो रहा है हमें? याददाश्त अचानक कमजोर कैसे हो गई? अब गुंजन की कोई चाल है, हमारा उल्लू तो नहीं खींच रहे ये सब? जो भी है चारू चौकन्नी हो जाओ। अब बताओ अब ज्यादा सोचो मत, फटाफट से पहन लो और रेडी हो जाओ। जी अभी पहन कर आए। ठीक है ध्यान रखना पड़ेगा, चारू को शक हुआ तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। हमने साड़ी तो ठीक पहनी है ना जी? हाँ एकदम ठीक पहनी है, बिल्कुल उसी की तरह लग रही हो। विक्रम भैया को गुंजन ने शॉपिंग ले जाकर बहुत अच्छा किया, क्या आइडिया था सेम साड़ी खरीदने का। अच्छा सुनो काम की बात, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें चारों के सामने नहीं आना है, जब तक हम या गुंजन ना कहे, समझी? दादी का फेवरेट चॉकलेट रफल केक, एक पीस तो खा ही सकते हैं, आफ्टर ऑल आज न्यू ईयर्स ईव है।
दादी, दादी कहाँ चली? वो भी बिना बताए। तुम अपना नया साल बेजुबान पुतलों के साथ मनाओ, मैं असली इंसानों के साथ सेलिब्रेट करने जा रही हूं। हैप्पी न्यू ईयर। अपना फोन भी नहीं छोड़ गए, कहां गए होंगे न्यू ईयर बनाने के लिए? आई एम श्योर कि वो गर्ग निवास ही गए होंगे। ये लो। सब कुछ तो लगा दिया। अरे हाँ, चिप्स। मिठू, जरा रसोई घर से चिप्स लेकर आओगी? जी काकी साहब। शैल जी। अरे नमस्ते। मक्कार मछली जाल में देखेगी तो कहेगी सब गुंजन का किया था, गुंजन दे विलन। चुड़ैल कहेगी सारा सामान ये इधर से उधर कर ले और फंसे हम जा रहे हैं। एक तो मिट्टू बनने के चक्कर में सारा काम हमसे कराया जा रहा है, ऊपर से इसने नाक में दम किया हुआ है। भगवान ही जाने के मयंक जी को इससे कैसे प्यार हो गया, लेकिन हम अभी कुछ नहीं करेंगे, समय आने पे बदला लेंगे, वो भी सूद समेत। अरे मिट्टू से कहा था चिप्स लाने को और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई ये लड़की भी ना। शुक्र है पानी नहीं लेकर आई। जानती हो आज सुबह से हमारे मिट्टू का दिमाग ठिकाने पर है ही नहीं। सारा प्लान याद है ना? देखो प्लान फेल नहीं होना चाहिए, समझी? जी हमें सब कुछ याद है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है, किसी ने हमें पकड़ लिया तो। किसी की चिंता तुम छोड़ो, बस चारू का ध्यान रखना, वो तुम्हें देख नहीं पाए और पकड़े भी नहीं। अगर उसने देख लिया ना तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, ध्यान रखना। मौसी आ गई, एक मिनट। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा किया कि आप आई, बाहर बहुत ठंड है ना? अरे पूछो मत, दो मिनट में मेरी हड्डियां जम गई, पर यहाँ तुम्हारी पार्टी की गर्मजोशी देखकर ना सब बिल्कुल फिट ठीक हो गया। लगता है दादी आई है। सुनो तुम यहीं खड़ी रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? चलो रचना। अच्छा एक बात बताओ, शायद डांस वांस का प्रोग्राम है कि नहीं? दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा। हाय दादी। हाय बेटा, हाउ आर यू? दादी आपके लिए गर्मा गर्म सूप रेडी है। क्या बात है, इसे कहते हैं ना मेहमान नवाजी। रचना दादी को अंदर लेकर चलो। जी हम अभी आए। आइए दर। अरे मिट्टू तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आओ पार्टी में आओ ना। जी नहीं, हम यही ठीक हैं जी। अरे शर्माओ मत, सब अपने ही लोग हैं, हम तुम्हारे परिचय कराते हैं, आओ। जी, 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 जी,
हम यहाँ ठीक है जी। अरे क्यों, पार्टी में सब लोग शामिल ना हो तो पार्टी कैसी है ना। चलो आओ, आओ ना, चलो चलो आओ जी। चली गई।